Yo, 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 people, what's up? I hope everyone is doing well. So welcome back to our channel. और आज मैं एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है हमस सैंडविच। हमस इज अ इजरायली डिश और इसराइल में बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमस एंड पीता एंड फलाफल। तो आज मैं एक छोटी सी रेसिपी अपने स्टाइल में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें हमें किस किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये चिकपीज लिए है, जिसे काबुली चना भी बोला जाता है। ये मैंने एक कप लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और ये है हमारे सेसमे सीड्स, जिसको आप सफ़ेद तिल भी बोल सकते हैं। और मैंने इन सेसमे सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है लहसुन, क्योंकि गार्लिक से हमारे हमस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसमें कि हम ये अपने सेसमे सीड्स को करेंगे ग्राइंड और एकदम इसकी पेस्ट बनानी है। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा ऑलिव ऑयल, अप्रोक्सीमेटली 2 टेबलस्पून। और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। तो गाइज ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए थोड़ा सा यार, मतलब आधा कप, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीसी हो रहा था और इस वजह से मिक्सी का जो ब्लेड होता है वो घूम नहीं पा रहा था। तो मैं अभी कर रहा हूँ इसको ब्लेंड। तो गाइज ये देखिए, ये हमारे सेसमे सीड्स हो गए एकदम ब्लेंड और ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है ये देखिए इसका। और हम सेसमे सीड्स इसमें इसीलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे हमस को क्रीमी टेक्सचर मिल पाए। तो अब मैं डालने जा रहा हूँ चिक पीस ब्लेंड होने के लिए, जो कि हमें एकदम स्मूथ और थिक पेस्ट बनाना है। और इसी में ही गाइज मैं थोड़ा गार्लिक भी डाल रहा हूँ, जो कि आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ, तो अपने आप ही ब्लेंडर में ही ब्लेंड हो जाता है सब कुछ। तो अगर आपको ज़्यादा गार्लिक खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कम गार्लिक खाना पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें गाइस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी करने वाला हूँ, क्योंकि एकदम ड्राई इसमें ब्लेंड हो ही नहीं पाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ेगा इसमें। और फिर मैं आपको ये ब्लेंड करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये सेसमे सीड वाली पेस्ट इसमें कब डालें। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे चिक पीस हो गए हैं अभी ब्लेंड, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा थिक लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा अब इसमें डाल रहा हूँ पानी, और थोड़ा मैं डालूंगा इसमें नमक, क्योंकि नमक के बिना तो एकदम फीका ही लगेगा, तो नमक भी डालना बहुत जरूरी है इसमें। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक, जैसे आपको पसंद हो। और उसी के साथ मैं ये जो हमने सेसमे सीड की जो पेस्ट बनाई थी वो भी अब मैं इसी में ही डाल रहा हूँ। और अब हमें इसको सबको करना है ब्लेंड और हमारा हमस हो जाएगा रेडी। आप इसमें गाइस फॉर अ चेंज आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो, और मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है ही यार ब्लैक पेपर, और व्हाइट पेपर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक पेपर नहीं है। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो व्हाइट पेपर तो और भी अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। तो अब ये मैंने कर लिया है और अब मैं इसको एक बारी दोबारा से करने वाला हूँ ब्लेंड। तो ये देखिए गाइस, हमारा हमस हो गया बनकर रेडी और इतना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर दिखने में ही लग रहा है। तो अब मैं इसको एक बाउल में डालूंगा और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगा ताकि ये खराब ना हो, और फिर हम करते हैं अब सैंडविच की प्रिपरेशन। तो गाइस हमें सैंडविच के लिए यहाँ पे हमने खीरा काटा है और टमाटर काटा है, और अब मैं हमस में अपने डालूंगा ऑलिव ऑयल ऊपर से ताकि ये जल्दी खराब ना हो। आप अपने हिसाब से जितना आपको ठीक लगता है, और ऑलिव ऑयल से थोड़ा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करते हैं हम लोग। तो रिहाना को तो सेक के सैंडविच पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रेड भी रख दिया है। थोड़ा सा इस पे लगाऊंगा मैं ऑलिव ऑयल, और इसको अब मैं पलटा दूंगा। तो अभी ये ब्रेड हो रही है हमारी करारी, और इसमें आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ जब आप सैंडविच बनाने लगे,
क्योंकि अभी आप इसमें डाल के रखेंगे ब्लैक पेपर तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप उसी टाइम इंस्टेंटली ऐड करिए ब्लैक पेपर भी, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे सैंडविच बनाने वाला। तो गाइज ये देखिए, इधर रेहाना की ब्रेड सिक रही है और यहाँ पे मैं तो सिकी हुई नहीं खाता, तो मैं बनाऊंगा इसको ऐसे ही। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको अपनी ब्रेड्स पे स्प्रेड करना है, सारी ब्रेड्स पे जितना आपको क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। किसी को ज़्यादा खाना पसंद होता है तो किसी को कम भी होता है, मैं ठीक ठीक ही लगाता हूँ यार, मज़ा आना चाहिए बस। और मैं गाइज ये बनाने वाला हूँ ट्रिपल लेयर सैंडविच, और इसमें एक लेयर में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं खीरा लगाऊंगा, और दूसरी लेयर में मैं लगाऊंगा टमाटर। और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है गाइस, आप एक बारी खुद ट्राई करें, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप एक बारी खुद ट्राई कीजिए और फिर आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। और हमारी भी बस अब रेडी होने ही वाली है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा खीरा जो कि हमने पहले से ही काट के रखा हुआ था। इसके ऊपर एक और लगा देता हूँ यार, पतले पतले थे। और एक पे गाइस मैं लगा दूंगा अपने टमाटर। आप अगर अनियंस खाना पसंद करते हैं तो आप फोर लेयर भी बना सकते हैं। और जो बेस्ट चीज है ना वो है ये जो डलेगी ऊपर से, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देगी ये हमारे हमस सैंडविच को। और मैं ये सारी ब्रेड्स पे लगा रहा हूँ। और इधर रेहाना की चाय भी बन रही है, ये देखिए। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, क्योंकि पी लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी पी लेता हूँ, लेकिन ये भी बिना शुगर की चाय पीती है। ये भी जागरी डालती है चाय में अपनी। और ये हो गया हमारा सैंडविच रेडी, और अब हम इसको काटेंगे और फिर हम मिलते हैं आपसे टेस्टिंग पे। तो गाइज ये देखिए, ये बना है हमारा सैंडविच जिसमें से खीरा गिर भी गया, और मैं वापस लगा देता हूँ। और ये देखिए, मैं ट्रिपल लेयर बनाया मैंने अपने लिए और बिना सिका हुआ ये। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आपने ना घर पे इससे बढ़िया सैंडविच बना के कभी नहीं खाया होगा। अगर आपने हमस सैंडविच बना लिया ना ये वाला, तो आप हमेशा हमस सैंडविच ही खाओगे। और ये देखिए, ये रेहाना ने सेक के, रेहाना तो हमेशा सेक कर ही खाती है ब्रेड, तो ये सिकी हुई ब्रेड में है। मेरे को थोड़ा ऐसे ही कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, आप इसे सेक के भी खा सकते हैं और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करें बिना बिल्कुल नहीं जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी सी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।